हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो शहर में बूंदाबांदी और धुंध के साथ मौसम ज्यादातर अबर आलूद रहने की तवक्को। जुमेरात के रोज बारिश बर्फबारी में तब्दील हो जाएगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और जीटीए के लिए फॉग एडवाइजरी जारी। यूक्रेन में कैनेडियन शहरी की हलाकत। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का बयान भी सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन शहरी बाघ मौत के करीब मारा गया है। कैनेडियन शहरी मेडिकल का तालबेल था। कनाडा में महंगाई में कमी। माहरीन ने शरह सूद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। स्टैटिक्स कनाडा ने दिसंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया। दिसंबर में मुल्क की सालाना अफरात जर की शरह 6.3% तक कम हो गई। यूक्रेन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। वजीर दाखला समेत 18 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज के सरबराह की यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात। चेचन सदर ने यूक्रेन तनाजे को तीसरी आलमी जंग करार दे दिया। अफगानिस्तान में खवातीन को काम की इजाजत। आलमी फलाही तंजीमों की सरगर्मियां बहाल। बैन अल-अक़वामी फलाही तंजीमों का अफगानिस्तान में दोबारा काम शुरू करने का फैसला। फलाही तंजीमों का कहना है कि अफगान हुकाम की यकीन दहानी पर महदूद पैमाने पर काम शुरू किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो शहर में बूंदाबांदी और धुंध के साथ मौसम ज्यादातर अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि शहरी जुमेरात के रोज मिले जुले मौसम का सामना कर सकते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में बूंदाबांदी और धुंध के साथ मौसम ज्यादातर अबर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि शहरी जुमेरात के रोज मिले जुले मौसम का सामना कर सकते हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जुमेरात की सुबह गीली बर्फ जमने वाली बारिश और बर्फ के गोलों में तब्दील हो जाएगी और फिर दोपहर में 40-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश में तब्दील हो जाएगी। इस वक्त पेशन गोई की गई आला दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड है। उन्होंने कहा कि दिन के बाद बारिश बर्फ में तब्दील हो जाएगी और दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा, जो शाम के औकात में सर्द हवाओं के साथ -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी भी मुतवक्के है। कबल अजी एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और जीटीए के लिए फॉग एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कुछ इलाकों में सिफर के करीब हद निगाह का इंतबाह दिया गया है। फॉग एडवाइजरी में एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में गहरी धुंध छाई रहेगी, जबकि बुलंद इलाकों में धुंध के असरात कम रहेंगे। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफ़र के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हद निगाह कम हो जाती है तो रफ्तार कम करें, आगे टेल लाइट्स देखें और रुकने के लिए तैयार रहें। गुज़िश्ता रोज़ दिन के आगाज़ में जीटीए मुंजमद बारिश की वार्निंग के तहत था, जिसकी वजह से कुछ स्कूल बोर्ड्स ने बाज़ इलाकों में स्कूल बसों को मनसूख कर दिया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि उसे एक कैनेडियन शहरी की हलाकत के बारे में इन इत्तलात के बाद मालूम हुआ है कि यूक्रेनी अफवाज के साथ लड़ने वाला एक नौजवान मेडिकल का तालबे इल्म जंग में मारा गया था। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि उसे एक कैनेडियन शहरी की हलाकत के बारे में उन इत्तलात के बाद मालूम हुआ है कि यूक्रेनी अफवाज के साथ लड़ने वाला एक नौजवान मेडिकल का तालबे इल्म जंग में मारा गया था। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन शहरी बाघ मौत के करीब मारा गया है। ग्रेगोरी सेक्स मिस्ट्रेंको के एक दोस्त का कहना है कि
इसे यूक्रेन में एक फौजी से यह खबर मिली है कि सेक्स मिजदेंको को इतवार को मुतनाज़ा मशरकी डोनेस्टिक इलाके में मारा गया, जहां कई महीनों से लड़ाई जारी है, जहां वो यूक्रेन के गैर मुल्की लश्कर के हिस्से के तौर पर कई महीनों तक सेक्स मित्रेंको के साथ मिलकर लड़ता रहा। उनका कहना है कि दोहरी शहरियत रखने वाला डॉक्टर उनकी यूनिट का एक प्यारा रुकन था, जिसने गैर मुल्की लश्कर में शामिल होने से कबल टैक्टिकल मेडिसिन का मुताला किया था। उनके एक और दोस्त का कहना था कि वो सबसे ज़्यादा शरीफ और मेहरबान लोगों में से एक था जिनसे मैं मिला हूँ। वो जिंदा रहा और वो काम करता रहा जो सही था और दूसरों की मदद करता था। हर कोई ग्रेग से प्यार करता था। मुझे खुशी है कि मुझे उसका दोस्त बनने और उसके साथ लड़ने का एहसास हासिल हुआ। कनाडा में महंगाई में कमी के बावजूद बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से शरह सूद में इजाफे का खदशा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में महंगाई में कमी के बावजूद बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से शरह सूद में इजाफे का खदशा है। कनाडा की सालाना अफराते ज़र की शरह गुज़िश्ता माह सुस्त हुई, लेकिन माहरीन इक़्तिसादियात अब भी बैंक ऑफ कनाडा से अगले हफ्ते अपनी अहम शरह सूद में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। मंगल को जारी करदा अपने ताज़ा तरीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शुमारियात कनाडा ने कहा कि दिसंबर में मुल्क की सालाना अफराते ज़र की शरह 6.3% तक कम हो गई। ये कमी ग्रोसरी की कीमतों में मुसलसल इजाफे और गैस की कीमतों में ठंडा होने के बाद आई। मौसम गर्मा में सालाना अफराते ज़र 8.1% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और इसके बाद से इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ हो रही है। नवंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.8% थी। माहरीन का कहना था कि लोगों को दिसंबर की अफराते ज़र की रिपोर्ट से बैंक ऑफ कनाडा को शरह सूद में इजाफे से रोकने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अफराते ज़र बड़ी हद तक तवक्को के मुताबिक आया, लिहाजा ये ना सोचें कि ये उनका जहन बदलने वाला है। माहिर इक्तिसादियात को तवक्को है कि दिसंबर की मजबूत मुलाजमतों की रिपोर्ट मरकजी बैंक को उसकी कुलीदी शरह को 1/4% तक बढ़ाने पर मजबूर करेगी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इलाके में बच्चों के स्कूल के नज़दीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वजीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक हो गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इलाके में बच्चों के स्कूल के नज़दीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वजीर दाखिला समेत 18 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन के चीफ मिलिट्री ऑफिसर जनरल वैलेरी ज़ोलोज़नी से मुलाकात की है, जबकि चीचनिया के सदर रमजान कादरोव ने कहा कि यूक्रेन में जारी तनाज़ा तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन की सरहद के करीब जुनूब मशरकी पोलैंड में एक नामालूम मुकाम पर यूक्रेन के चीफ मिलिट्री ऑफिसर जनरल वैलेरी ज़ोलोज़नी से चंद घंटे तक मुलाकात की। जनरल मार्क मिली के तर्जुमान का कहना था कि हमें उम्मीद थी कि ज़ोलोज़नी इस हफ्ते नेटो और दीगर दिफाई सरबराहों की मीटिंग के लिए ब्रसेल्स जाएंगे। ताहम ऐसा ना होने के बायस मिली और ज़ोलोज़नी ने फौरी तौर पर सरहद के करीब पोलैंड में मिलने का फैसला किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान यूक्रेन की फौजी ज़रूरियात और जंग की हालत के बारे में अक्सर गुफ्तगू की है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब यूक्रेन के चीफ मिलिट्री ऑफिसर ज़ोलोज़नी ने कहा कि उन्होंने मंगल को मार्क मिली के साथ मुलाकात के दौरान अपनी अफवाज की फौरी ज़रूरियात का खाका पेश किया है। ख्याल रहे ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बैनुल अक़वामी बिरादरी यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद में इजाफा कर रही है, जिसमें अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के फौजियों की तरबियत में इजाफा और पेट्रियट मिसाइल बैटरी टैंक और अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद की जानिब से फिजाई दिफा और दीगर हथियारों के निज़ाम की फराहमी शामिल है। चीचनिया के सदर रमजान कादरोव, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ज़बरदस्त हामी हैं, ने कहा कि अगर हम इस बात पर गौर करें कि नेटो समेत दीगर यूरोपीय ममालिक यूक्रेन के तनाज़े में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरी आलमी जंग है। उन्होंने निशानदेही की कि चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े ममालिक फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेते। अफगान हुकाम की जानिब से ख्वातीन वर्कर्स को काम की इजाज़त पर फलाही तंजीमों ने कुछ सरगर्मियां बहाल कर दीं, जिसके बाद बैनुल अक़वामी फलाही तंजीमों ने अफगानिस्तान में दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान हुकाम की जानिब से ख्वातीन वर्कर्स को काम की इजाज़त पर फलाही तंजीमों ने कुछ सरगर्मियां बहाल कर दीं, जिसके बाद बैनुल अक़वामी फलाही तंजीमों ने अफगानिस्तान में दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम का कहना है कि सेहत से मुतालिक फलाही कामों को नहीं रोका गया था। अफगान हुकाम ने सेहत के शोबे में ख्वातीन वर्कर्स को काम करने की इजाज़त दी है। उधर अफगान मीडिया ने बताया कि तालिबान हुकूमत ने 3 हफ्ते पहले अफगान ख्वातीन के NGOs में काम पर पाबंदी लगाई थी। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान की पाबंदी के बाद गैर मुल्की NGOs ने अफगानिस्तान में काम रोक दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक फलाही तंजीमों का कहना है कि अफगान हुकाम के यकीन दहानी पर
महदूद पैमाने पर काम शुरू किया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।